कुछ बातें थी वो चल रही हैं, शायद कोई आपको बताए ना बताए, बट ये बात मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हर चीज में आप लोग ये बोलते हैं रबीता की गलती है, हुसैन की गलती है, तभी कहीं फसाद की जड़ें। अब चाहे बात ये हो कि माँ शहीर और हुसैन को अलग कराने वाली रबीका है, और रबीका ने हफ्सा से दोस्ती खत्म कर दी, और रबीका ने हुसैन और माँ के बीच लड़ाई करा दी, रबीका ने हुसैन को माँ से अलग करा दिया, रबीका ने शहीद को हुसैन से अलग करा दिया, माँ और इन सबको अलग करा दिया, मतलब ये इतनी सारी बातें चल रही हैं चल रही हैं चल रही हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को जवाब दे दिया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग एक ही बंदे को ब्लेम करे जाते हैं कि रबीका की गलती है, रबीका की गलती है। आप लोगों को कैसे पता रबीका की गलती है? आपको कैसे पता रबीका ने क्या किया है? एक बात होती है ना, आपने कोई चीज देखी होगी। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बनती हूँ यार, मैं मतलब यहाँ बैठ के मैं हर बात साफ साफ बोलूंगी, क्योंकि मैं नहीं दिल में लेके बैठती, या मैं किसी की चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर दफा माज माज करते हो माज, हाँ एग्जैक्टली हाँ, मैं किसी की बात लेके दिल में नहीं बैठती सॉरी। और दूसरी बात ये कि आप लोग मुझे ब्लेम मत करा करें, प्लीज इसको स्टॉप कीजिए, क्योंकि आप हर चीज में रबीका की गलती है, ये रबीका, ये फसाद की जड़, लाइक ऐसे ऐसे वर्ड यूज हो रहे होते हैं कि जो मैं कभी जिंदगी में सुनती भी नहीं। और मैं बोलती कि यार मतलब क्यों, मैंने तो कभी आप लोगों को नहीं कहा, मैंने तो कभी किसी को गलत नहीं कहा, मैंने तो कभी आके किसी के सामने ये नहीं बोला कि माज गलत है, शरीर गलत है, या हफ्सा गलत है। वाय आप लोग क्यों बोलते हो ऐसे कि रबीका की ही गलती है, वो ही है फसाद, उन्होंने ही लड़ाई करवाई है, वो ही होगी, ये बात इतनी गंदी गंदी हो रही है, लोग गालियां दे रहे होते हैं। गाइस मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगी आप लोगों से, क्यों आप लोग गालियां दे रहे होते हैं ऐसे करके? आप किसी लड़की के बारे में बोल रहे होते हैं, आपके घर में भी तो बहने हैं, भाई है, सब चीजें होती है, मतलब हर किसी की फ्रेंडशिप में कोई ना कोई मसले होते रहते हैं हर चीज। ये तो नहीं अपने फ्रेंड्स को बता दी जाए या आप लोग को सोशल मीडिया पे फैला दी जाए, बाद में उस चीज का पछतावा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और ना ही मुझे कोई अच्छा बनने का शौक है कि मैं यहाँ पे सबको टू बी ऑनेस्ट दूँ कि ये ऐसा, ये फलाना ऐसा, ये बहुत अच्छा, ये वो बहुत अच्छा, नो। मैं आज स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बात करूंगी, चाहे आप लोग बोले रबीका जज्बाती हो रही है या कुछ भी हो रहा है। यहाँ मैं कोई अच्छी बनने नहीं बैठी हुई कि मैं यहाँ पे बैठ के सबको बोलूँ कि इसकी तारीफ मैं करूँ, उसकी तारीफ करूँ, नहीं। मुझे अच्छा बनना ही नहीं है यार लोगों की नजर में कि लोग मुझे गुनगाए कि यार रबीका आपसे, क्योंकि यहाँ तो लोग सब अच्छे बन जाते ना, सब अच्छे बन जाते लोगों की नजर में, तो वो अच्छे हो जाते कि ये बंदी सही बोल रही है, ये बंदा सही बोल रहा है, ये ही रबीका ही गलत है, मतलब सबने रबीका को गलत बना दिया, तो रबीका गलत है, इसका मतलब रबीका कुछ बोलती नहीं, तो इसका मतलब रबीका गलत ही गलत है। कभी उनके मुंह से भी तो सुने कि वो गलत है या नहीं है। मैं नहीं बता रही क्योंकि मैं चाहती ही नहीं हूँ अपने आप को गंदा करूँ, क्योंकि मैं यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगी तो यहाँ पूरी फ्रेंड भी आपस में लड़ने लग जाते। मैं अपने फ्रेंड्स को कभी भी नहीं बोलती कि वो लड़े आपस में, लड़े यहाँ सब मेरे फैंस हैं, यहाँ पे आप उनसे पूछ सकते हैं कि कभी मैंने इनको बोला कि इसको बंदे को जाके हेट दो या इनकी पोस्ट पर नीचे गलत गलत कमेंट्स करो, क्यों? मैं पता नहीं कितनी दफा, मतलब यार 6-7 महीने हो गए, आप लोग एक ही बात बहुत बार पूछते हो मुझसे, माँ से क्या है, माँ से क्या है, मतलब वो बंदा वहां बैठ के बोला है कि रबीका ने मुझे ब्लॉक किया था, आई डोंट नो वजह क्या थी, लाइक सीरियसली मैन, उस चीज को मैं पी गई। मैंने बोला चलो ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, चलो बोला तो खैर होगी, सब गलत बोले मुझे मसला नहीं है, कोई मुझे हेट भी देता है गाइस, अगर वो मुझे अनफॉलो भी करते, कोई मुझे ब्लॉक भी करते, मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं दिल यहाँ पे अपने फैंस का जीतने आई हूँ, अपने फैंस का, जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे काम से इम्प्रेस होते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं। यहाँ मैं 4-5 लोगों को साथ लेके बैठने नहीं आई हूँ जो वो मुझे बोले कि यार ये दोनों साथ में अच्छे लगते हैं, अगर ये दोनों नहीं तो हम इनको अनफॉलो कर देंगे, यार रबीका की गलती है, रबीका की गलती, मतलब मैं सुन सुन के पक चुकी हूँ यार रबीका की गलती कब तक। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों से, आप लोग सवाल नहीं कर रहे थे तो मैंने सोचा खुद ही बात करो, एक बंदे ने पूछा तो मैंने बोल दिया। अब हर मकसद ये नहीं रबीका की गलती है यार, मैं